संती कुत्तों के सामने मत नाचना। यहाँ पे नाच गाना नहीं चल रहा है, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है और ये गब्बर नहीं स्टूडेंट है, इन्हें तेरी बसंती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कह देना अपने स्टूडेंट से कि वीडियो पूरी देख कर जाए। खामोश, कह देना छिनू है भग यहाँ से, रोज आया था यहाँ पर बच्चों को परेशान करने, पढ़ाने दे मुझे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं बिना किसी, तो हमारा आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है और उसके अंदर कोई वेरिएबल दे रखे हैं। वेरिएबल हमारे पास किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ए बी सी डी या फिर एक्स वाई किसी भी टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। तो उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो आपके पास आइडेंटिटी होगी, अगर वो लगाते हैं हम, तो वो सभी वैल्यू के लिए सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें कितनी आइडेंटिटीज दे रखी है। यहाँ पर कुछ 11 आइडेंटिटीज दे रखी जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो। हम वापस रिवाइज करें तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड वन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, फिफ्थ दे रखा है हमें, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई प्लस सॉरी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिक्स दे रखा है हमें, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सेवन्थ हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका दे रखा हमें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एट्थ दे रखा है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको जो सेवन्थ और ये एट्थ है, इसको क्या है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नाइन्थ वाला दे रखा हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, टेंथ दे रखा हमें यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट क्या दे रखा है हमें, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसी फॉर्मूले के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक्स वाई जेड जीरो हो जाता है, जिसके मैंने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ओनली थ्री ए बी सी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं, एक एक्सरसाइज देखते हैं जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्सपांड थ्री एक्स माइनस वाई क्यूब थ्री एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि हमें जो ये चीज़ दे रखी है इसको एक्सपांड करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, थ्री एक्स माइनस वाई क्यूब का वाई का होल क्यूब। तो इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एक्स माइनस वाई क्यूब का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, थ्री एक्स का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री एक्स इंटू वाई इंटू थ्री एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर जब आप थ्री क्यूब को सोल्व करोगे, थ्री क्यूब कितना हो गया आपका, 27 और एक्स क्यूब एज इट इज़। ठीक है, वाई क्यूब, और इसको जब आप सोल्व करोगे, थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, एक्स इंटू वाई दैट इज एक्स वाई। ठीक, और ये एक्स थ्री एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। ठीक, तो मेरे पास जो यहाँ पर नाइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, नाइन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं, इवेल्युएट 101 इंटू 103 विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है लेकिन बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मेरे पास जो 101 लिखा हुआ था उसको मैंने क्या लिख दिया, 100 प्लस 1, और जो 103 लिखा हुआ था उसको मैं लिख दिया 100 प्लस 3। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस वाली आइडेंटिटी से, तो यहाँ पर देखने को मिलता है मुझे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, जो क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 स्क्वायर प्लस
1 + 3 × 100 + 1 × 3, ठीक है। तो इसका 100 स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 10,000, और ये कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4, 4 × 100 = 400, और ये कितना हो जाएगा 3। तो जब इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना हो गया डायरेक्टली 10,403, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो ये आ गया, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास फैक्टराइज 4x² + 20xy + 25y², यहाँ पर भी पिछली बार भी हमने फैक्टराइज किया था तो उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है 4x² + 20xy + 25y², यहाँ पर जो 4x² लिखा था उसको क्या लिख दिया मैंने 2x² होल स्क्वायर, ठीक है, और जो 25y² लिखा था उसको मैंने लिख दिया 5y², ठीक है। मुझे बीच में क्या बनाना रहता है 2xy की फॉर्म बनानी रहती है, तो मैंने इसीलिए इनको इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो 2 × x मेरे पास 2x है और यहाँ पर 5y, तो ये कितना बन गया मेरे पास टोटल 20xy, ठीक है। तो ये किसके कौन सा वाला फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है ये एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है x + 8 × x − 10, ठीक है। मैंने इसको क्या लिख दिया x + 8 × x + (-10), कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। x + 8 है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया x+ है, और जो x + -10 था उसकी जगह पे लिख दिया मैंने x+b। तो यहाँ पर x+ है और x+b का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज़ किया यहाँ पर x² + a + b × x + ab, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको x² + 8 + -10 × x + 8 × -10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया x² - 2x - 80, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये 2x कहाँ से आया था, -10 + 8 कितना होता है -2 × x, तो हो गया आपका -2x, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें y² + 3/2 × y² - 3/2, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ अज्यूम किया है लेट y² = x, ठीक है। तो मेरे पास नया क्वेश्चन क्या बन गया x + 3/2 × x - 3/2, ठीक है। तो मेरे को ये फॉर्मूला पता है a + b × a - b क्या होता है a² - b², तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करी मैंने, तो ये कितना हो जाएगा x² - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आगे क्या हो गया मेरे पास ये x² - 9/4। अब जो मैंने x क्या अज्यूम किया था मैंने y² था, तो y² मैंने यहाँ पर वापस सब्सिट्यूट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा y² का होल स्क्वायर - 9/4। तो y² क्या हो गया मेरे पास y^4 - 9/4, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर 95 × 96, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख दिया मैंने 95 को 90 + 5, और इसको मैंने लिख दिया 90 + 6, ठीक है। तो सेम काम जो वहाँ पर किया था वही काम यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपके पास 90² + 5 + 6 × 90 + 5 × 6, ठीक है। तो 90² कितना होता है आपका 8100 प्लस ये कितना हो गया आपके पास 990, और ये कितना हो गया 30। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया 9120, ठीक है। इसी की तरह सिमिलर एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 104 × 96, ठीक है। तो मैंने 104 को क्या लिख दिया 100 + 4, और 96 को लिख दिया मैंने 100 - 4। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है मेरे को a + b और a - b, ठीक है। तो जो यहाँ पर यूज़ किया था वही यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 100² - 4² तो 100² कितना होता है आपके पास 10,000, 4² होता है हमारे पास 16, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 9984, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। यानी कि आपको आइडेंटिटीज का यूज़ करके फैक्टराइज करना है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 4y² - 4y + 1, ठीक है। तो इसको जब फैक्टराइज करना है तो मैंने क्या करा 4y² को मैं लिख दिया 2y का होल स्क्वायर, और जो हमारे पास 1 था वो एग्जिटिस रख दिया मैंने, ठीक है। 1² वही होता है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पर मेरे को वही बीच में क्या बनाना है 2xy की फॉर्म बनानी है, तो 2 हमारे फॉर्मूले का, और जो 2y आया ये कहाँ से आया हमारे पास इस जगह से, ठीक है। और ये 1 जो हमारा वाई वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 2y² - 2 × 2y × 1 + 1², ठीक। तो क्या बन गया हमारे पास ये 2y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है x² - y² / 100, ठीक। तो मैंने इसको क्या लिख दिया x² - y / 10 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो 100 लिखा हुआ था उसको मैंने 10 बना दिया, ठीक। यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b क्या होता है हमारे पास a² - b²
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बाई टेन इंटू एक्स माइनस वाई बाई टेन, ठीक है, ये दोनों क्या हो चुके हैं, फैक्टराइज हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमसे, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स वाई प्लस फोर रूट टू वाई जेड माइनस एट जेड एक्स, ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है। तो यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स, ठीक है। तो इसी की जगह पर मैं क्या रख, जो टू एक्स स्क्वायर था उसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस टू, सॉरी माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट टू, यानी कि जो मेरे पास एट था उसकी जगह मैंने क्या लिखा, टू रूट टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने इसको, टू इंटू माइनस रूट टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, टू इंटू वाई इंटू टू रूट टू जेड प्लस टू इंटू टू रूट टू जेड माइनस रूट टू एक्स, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है, जो हमारे पास आइडेंटिटी उस फॉर्म में बनाना था मुझे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक्सपांड करके लिख दिया, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आगे जाके, माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट टू जेड स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स वाई प्लस फोर रूट टू वाई जेड माइनस एट एक्स जेड, ठीक है। तो ये मेरे पास आगे जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा हमसे, एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, इसका टू ए का होल क्यूब, ठीक है, जो मेरे पास एट था एट की जगह मैंने क्या लिख दिया, टू रख दिया और ए क्यूब एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू टू ए स्क्वायर माइनस बी, ये चीज़ कहाँ से आई, तो यहाँ पर भी आपको आगे पता चल जाएगा कहाँ से आई, मेरे पास जो ट्वेल्व था ट्वेल्व को मैंने क्या लिख दिया, थ्री इंटू यहाँ पर जो टू स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है फोर, तो फोर इंटू थ्री क्या होता है हमारे पास ट्वेल्व, ठीक है। इसी तरह से मैंने आगे लिख दिया थ्री इंटू टू, ये क्या हो गया मेरे पास सिक्स, और ये ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको आगे क्या लिख दिया, टू ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस, अब मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, थ्री टू ए और बी, ये तीनों चीज़ें क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है दोनों में से, तो मैंने इनको कॉमन निकाल दिया और बचा हुआ क्या लिख दिया, टू ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो मेरे को ये किसकी तरह दिख रहा है, कुछ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई दिख रहा है आपको यहाँ पर, थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने 27 को क्या लिख दिया यहाँ पर, 3 क्यूब, 125 को लिख दिया मैंने 5 का होल क्यूब, 5 ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ए, ये कहाँ से आया, जो भी हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था उसी तरह से लेकर आया उसको, 3 जो कि हमारे फॉर्मूले का होता है, ठीक है, 3 इंटू 3 स्क्वायर, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 135, और इधर वाला जब आप सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 225 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 और 5 है, ठीक है, मैंने तीनों को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3 और इधर बचेगा मेरे पास माइनस का 5 है। अब भाई आप पूछोगे माइनस का 5 है कहाँ से आया, तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस लेकर जाऊँगा, यहाँ से मैंने माइनस ले गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बचेगा एक माइनस का, तो ये वो वाला माइनस था, ठीक है। जब मैंने इसको कंपेयर करा वापस इस फॉर्मूले से तो मुझे क्या मिल गया, 3 माइनस 5 है का होल क्यूब, ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है मुझसे, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है। 27 को क्या लिख दिया मैंने, 3 वाई का होल क्यूब और 125 को 5 जेड का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास रख देते हैं फॉर्मूले में वैल्यू, 3y प्लस 5z इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सोल्व करूँगा तो कितना हो गया, 9y का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है मुझसे, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर लेता हूँ, इसको मैंने क्या लिख दिया, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x y z, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास इसको मैंने 9 को क्या लिख दिया, 3x के फॉर्म में लिख रखा है, ठीक। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x
3x plus y plus z into 3x square plus y square plus z square minus 3x into y minus y into z minus z into 3x. ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से है मेरे पास, यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी. ठीक है, इसी की तरह है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, जब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस थ्री जेड एक्स. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया. तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमसे, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक्सपांड करना है. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट दे रखा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने इसको किससे कंपेयर किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, इससे कंपेयर किया. तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग मैंने रख दी वैल्यू, तो ये क्या हो गया, माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टू एक्स इंटू थ्री वाई प्लस टू इंटू थ्री वाई इंटू टू जेड प्लस टू इंटू टू जेड इंटू माइनस टू एक्स. ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करूँगा तो कितना हो गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई जेड माइनस एट एक्स जेड. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है मुझसे, वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर. इसको भी सेम उसी की तरह वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर. तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन टू बी का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन अपॉन फोर ए इंटू माइनस वन अपॉन टू बी प्लस टू इंटू माइनस वन अपॉन टू बी इंटू वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन अपॉन फोर ए. ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करो क्या देखने को मिल रहा है आपको, वन अपॉन सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर बी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन फोर ए बी माइनस बी प्लस वन अपॉन टू ए. ठीक है, तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये क्या हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है. ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. तो आप इसको अंदर वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री इंटू थ्री अपॉन टू एक्स इंटू वन इंटू थ्री थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन. ठीक, इसको जब आप ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइन बाई फोर एक्स क्यूब प्लस वन प्लस नाइन बाई टू एक्स इंटू थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन. और आगे सोल्व कर लेते हैं, नाइन बाई फोर एक्स क्यूब प्लस वन प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई टू एक्स. ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है, आइडेंटिटीज़ के अंदर. तो मैंने क्या करा, जो यहाँ पर प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स वाई था, मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक, और इक्वल टू में क्या बचा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ठीक, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, तो क्या लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स एक्स प्लस वाई. ठीक है, मेरे पास जो यहाँ पर एक्स प्लस वाई क्यूब था, मैंने उसको क्या लिख दिया, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, यहाँ पर थ्री था, मैंने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई. अब मेरे को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्स प्लस वाई दोनों में से कॉमन है, बाहर निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई. ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई. इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मुझे चाहिए था. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, यहाँ पर हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, अगेन वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, आर एच एस यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, आर एच एस यानी कि ये वाला पार्ट. ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सॉरी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड, उस तीनों को ओपन करके यहाँ पर लिख लिया। तो मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर दो बार है तो मैंने क्या लिख दिया, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर भी यहाँ पर दो बार था तो मैंने टू वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, जेड स्क्वायर भी दो बार है तो मैंने क्या लिख दिया उसको, टू जेड स्क्वायर, बाकी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको क्या दिख रहा है कि सबके अंदर से टू कॉमन आ रहा है, टू बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पर वन अपॉन टू से टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हैंस प्रूव। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो देन शो देट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, इसकी बात हमने आइडेंटिटी के अंदर भी की थी, वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। वी नो देट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, हमें क्या गिवन था कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर जो माइनस थ्री एक्स वाई जेड था मैंने इसको क्या करा, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो एट्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इन सबको कैलकुलेट करना है। भाई मैंने क्या करा, इन तीनों को ऐड करके देखा पहले, इनका जो नॉर्मल नंबर था उनको ऐड करा, तो माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला मुझे, माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब किसके इक्वल हो जाना चाहिए मेरे पास, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू फाइव। ठीक है, तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी के इक्वल। अब हमारे पास आया किस आइडेंटिटी था, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने यूज़ की है। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ फॉर द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर हमें एरिया क्या दे रखा था, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसा हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बचपन में, कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, 300 के 300 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो मेरे को यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। मेरे पास क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे 20 प्लस 15 कितना होता है, 300, और ये क्या है हमारे पास 35 के इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो 25 a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 इंटू a प्लस 12। ठीक है, जब इसको आगे ओपन किया तो क्या हो गया, 25 a स्क्वायर माइनस 20 a माइनस 15 a प्लस 12। ठीक है, जब इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ जाएगी, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ हम क्या जानते हैं, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वही चीज़ यहाँ पर लेंथ कितनी आ जाएगी, 5a माइनस 4, और ब्रेथ कितनी होगी, 5a माइनस 3। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 12k y स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 12k। ठीक है, तो वॉल्यूम सॉरी 20k। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12k y स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो यहाँ पर आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 4k कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4k कॉमन लिया, क्या बचेगा, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, जो काम ऊपर किया वही काम यहाँ पर किया, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, 15 के जब फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब वापस सोल्व किया तो कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा था मेरे पास, y कॉमन आ गया तो क्या बचा, 3y प्लस 5, इधर से माइनस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 3y प्लस 5 बचा। ठीक है, मेरे को यहाँ पर तीन चीज़ें मिल गई, 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 5, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, 4k यूनिट, 3y प्लस 5 यूनिट, y माइनस 1 यूनिट। ठीक है, आज के सभा का समापन यहीं पर ही किया जाता है। ठीक है, गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा अगर तूने स्टूडेंट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने से रोका, गब्बर।
तो स्टूडेंट गब्बर भैया की बात मानते हुए हमें क्या हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बोलना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो से अपडेटेड रहें। ठीक है, धन्यवाद।